कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 4 में दिया गया है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के संयुक्त प्रश्न, दैट मींस मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चंस नंबर देखिए 101, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपया होगा, निकटतम रुपया में पूर्णांकित आपको आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चंस में लिखा है 7% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 18,900 रुपया है और 7% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू 21% होगा, तो 21% का वैल्यू 18,900 दिया है तो 1% का वैल्यू 18,900/21 हो जाएगा। और आपसे पूछा है क्या 7% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो परसेंटेज में सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि 7% की दर पर 3 वर्ष का सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 22.5043 इतना परसेंट होता है, तो इतना परसेंट का वैल्यू पूछा है तो इतना से इसमें गुना कर देंगे 22.5043। अब सिर्फ इसे सोल्व करना है, यह किस तरह से आया है जो इधर आपको हम रफ में डिटेल से बता देंगे कि 7% की दर से 3 वर्ष का जो सीआई का परसेंटेज वैल्यू हो रहा है वो ये किस तरह से हमने लिखा है, तो इधर हम रफ में निकालकर आपको डिटेल से बता देंगे। पहले इसे सोल्व कर देते हैं तो 91.9 से और ये 00 दे देंगे और इसके बाद सिर्फ गुना करना है, तो सबसे पहले ये 00 हमने यहाँ इस तरह से लिख दिया और 9 गुना इतना करना है तो 9×27 के साथ बाकी 2, 9×36 और 2×38 यहाँ पर हमने ये लिख दिया और 9×45 का 5 फिर बाकी 4, उसके बाद 9×2 18 और 4×22 का 2 फिर बाकी 2, 9×2 18 और 2×20। अब इसके बाद यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 अंक है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से यहाँ पर हमने पॉइंट दिया और यहाँ पर 8 था, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि ये कितना हुआ 20,253.87। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि निकटतम रुपया में पूर्णांकित आपको आंसर देना है, पूर्णांक में आपको आंसर देना है, डेसिमल वैल्यू में नहीं, तो इसे ही हम बोल सकते हैं 20,253.87 को लगभग में हम क्या बोलेंगे 20,254 रुपया बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे लिखा 20,254 रुपया, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए 7% की दर पर 3 वर्ष का जो सीआई का परसेंटेज वैल्यू होगा 22.5043 ये किस तरह से हमने लिखा है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है, क्या होता है फॉर्मूला, तो स्पेशल 3 वर्ष के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले a का क्यूब करना है उसके बाद 3a² उसके बाद 3a करना है, यानी कि a परसेंट आपका रेट रहेगा, जैसे a परसेंट की जगह पर यहाँ पर कितना है 7% है, यानी कि a की जगह पर आपको कितना 7 रखना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं 7 का क्यूब सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद 3a², यानी कि क्या करना है 3×7² लिखेंगे इसके बाद 3a, दैट मींस 3×7। अब इसे सोल्व करना है तो 7 का क्यूब 343 होता है और 3×7² तो 7² 49, 49×3 कितना होता है तो 50×150, 150 में से 3 हम कम कर देंगे तो 147 और इसके बाद यहाँ पर 3×7 या 7×3 तो ये 21 हो जाएगा और 2 अंक हमें लिखना होता है, यानी कि ये 43 यानी कि 43 यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद ये 3 जो है ये आपका आगे जुट जाएगा इसमें और 147+3 ये 150 हो जाएगा, फिर से 2 अंक हम लिखेंगे यानी कि 5 और 0 और इसके बाद यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 4 अंक होना चाहिए इस तरह से, और इसके बाद ये जो आपका 1 है ये यहाँ पर जुट जाएगा तो 21+1 ये आपका कितना हो जाएगा 22 और ये 22 यहाँ पर फिर हम लिख देंगे, तो इस तरह से ये आपका कितना हुआ 22.5043 इतना परसेंट, तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो पूछा था तो इतना से हमने गुना किया और ये तो जानते होंगे कि 8% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू होता है क्या होता है 8×t%, ये तो बेसिक है, सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने डिटेल से ऑलरेडी बताया था। तो इसी तरह से यहां पर था 7% की दर से 3 वर्ष का अगर जो हम सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7×3 यानी कि 21% और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 18,900 और 1% का वैल्यू 18,900/21 हो जाएगा, इतना परसेंट का वैल्यू पूछा था तो इतना से हमने गुना किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 102 नंबर,
एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपया है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्वेश्चंस में क्या लिखा है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन है वो क्या है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक कहने का अर्थ हुआ छमाही है, यानी कि 6-6 महीना पर ब्याज लग रहा है। तो इस क्वेश्चंस को भी हम डायरेक्ट एक ही लाइन में सोल्व कर सकते हैं और आपको हम डिटेल अप्रोच भी रफ में बता देंगे। सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपया है। ये जो क्वेश्चंस में दिया गया है ये आपका साधारण ब्याज है। ब्याज कहने का अर्थ हुआ साधारण ब्याज, यानी कि 10% की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है, 10 × 1 यानी कि 10%, और 10% का वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दिया है 400, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/10। अब आपसे पूछा है क्वेश्चंस में क्या, क्वेश्चंस में पूछा है इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो टाइम को आपको दोगुना करना होगा और दर को आपको आधा करना होगा। तो टाइम एक वर्ष दिया था तो एक वर्ष का हम दोगुना करेंगे, यानी कि टाइम आपका 2 वर्ष हुआ, और जो रेट था वो कितना दिया गया है क्वेश्चंस में, रेट दिया गया है क्वेश्चंस में 10%, तो 10% का हम क्या करेंगे आधा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये रेट आपका हुआ 5%। और अब आप जानते हैं कि 5% की दर से 2 वर्ष का जो CI का परसेंटेज वैल्यू होगा वो क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 और फिर पॉइंट देते हैं, फिर 5 का दोगुना 5 × 10 यानी कि 10.25% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो इतना से हम इसमें गुना कर देंगे 10.25 से। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है तो ये डेसिमल हटा देंगे तो 1025/100 हो जाएगा और ये 00 इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, और भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 × 10 = 2 × 4 और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 10 फिर 0 देंगे और ये 25 यानी कि 205 × 2 कितना हो जाएगा 410। तो 410 रुपया कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चंस नंबर 102 का ऑप्शंस नंबर सी में दिया गया है 410 रुपया, तो ऑप्शंस नंबर सी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। सबसे पहले इसका हम डिटेल अप्रोच आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चंस में देखिए फर्स्ट लाइन लिखा था एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज यानी कि साधारण ब्याज 400 रुपया है। क्वेश्चंस में क्या दिया था, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है जो 400 रुपया है, और यहाँ पर क्वेश्चंस में उसके लिए रेट कितना दिया है 10% और टाइम कितना दिया है 1 वर्ष, तो 10% की दर से एक वर्ष का जो साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 10 × 1 यानी कि 10%, तो यही 10% का वैल्यू कितना है 400 रुपया, तो 1% का वैल्यू 400/10 हमने लिखा। अब क्वेश्चंस में लिखा है क्या लिखा गया है, इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो टाइम आपका डबल हो जाएगा और रेट आपका हाफ हो जाएगा, तो टाइम 1 वर्ष था तो 1 का डबल यानी कि 2 वर्ष आपका टाइम हुआ, और रेट 10% था तो 10 का हाफ यानी कि 5% आपका रेट हुआ, और 5% की दर से 2 वर्ष का CI का परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट हमने लिखने के लिए बताया है 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकों में लिखना है, फिर पॉइंट देंगे, फिर 5 का दोगुना 10 यानी कि 10.25% का वैल्यू पूछा है, तो इतना से हम इसमें गुना किए और ये आपका आंसर इस तरह से डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर ये किन्हीं को नहीं समझ में आया है तो ऑलरेडी हमने ये भी इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि स्पेशल 2 वर्ष के लिए CI का परसेंटेज वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, तो सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं, यानी कि R% की दर से 2 वर्ष का जो CI का परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो इसके लिए हमने बताया है क्या होता है, R+R+R × R/100, और इसे भी और सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसे सॉल्व करना होगा R+R 2R+R × R, तो R² / 100। इसी को हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, जैसे 5% की दर से 2 वर्ष का हमें CI का परसेंटेज वैल्यू निकालना था तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हमने लिखा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, फिर यहाँ पर पॉइंट देंगे, पॉइंट 2 अंकों के बाद ही क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए बटा में 100 है तो अंतिम से 2 अंक बाद आपका डेसिमल होना चाहिए, और फिर 2R मतलब 2 × R तो 5 × 2 यानी कि 10, तो इस तरह से डायरेक्ट करने आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 नंबर, क्वेश्चंस नंबर देखिए 103 नंबर, प्रति वर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6,750 रुपया है, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
तो सबसे पहले क्वेश्चंस में लिखा है 12% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 6,750 रुपया। तो परसेंटेज में कितना हो रहा है साधारण ब्याज का, परसेंटेज वैल्यू जो निकाल लेंगे तो 12% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 12 या 36%, यानी कि 36% का वैल्यू कितना दिया है 6,750। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 6,750/36। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा है क्या, क्वेश्चंस में पूछा है कि वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है कि सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना हो रहा है। तो ये हम किस तरह से निकालते हैं, हमने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है क्या करना है, ए का क्यूब उसके बाद 3a² उसके बाद 3a, और a के जगह पर यहां पर आपको 12 रखना है, तो 12 का क्यूब उसके बाद 3 × 12² उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है 3 × 12। अब देखिए 12 का क्यूब 1728 होता है और 12 का स्क्वायर तो 144 × 3 कीजिए तो कितना होगा, तो 4 × 12 = 2, फिर बाकी 1 और 14 × 42 = 43, यानी कि 432 हो जाएगा, और उसके बाद ये 12 × 3 करेंगे तो 36 होगा। अब देखिए 2 अंक ही हमें सिर्फ लिखना होता है, तो यहां पर 1728 का अंतिम 2 अंक लिखेंगे यानी कि 28, इस तरह से हमने लिखा, और उसके बाद ये जो 17 है यहां पर इसमें जुट जाएगा, यानी कि 432 + 17 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 449। तो 449 का अंतिम 2 अंक लिखना है, यानी कि 49 यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे और यहां पर फिर पॉइंट दे देंगे, और ये जो आपका 4 है यहां पर जुड़ जाएगा इसमें, 36 + 4 = 40 हो जाएगा, और 40 यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे। तो 40 कितना हुआ, ये आपका हुआ 40.4928, इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इतना से इसमें हम गुना कर देंगे 40.4928। अब सिर्फ इसे सोल्व करना है, तो यहां पर देखिए ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 × 36, और ये 7, 5, 12, 6, 18 ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 9 × 36 इसे 9 से कैंसिल करते हैं, तो 9 × 7 = 63, फिर 4 × 5 = 9, 5 = 45, और ये 0 हो जाएगा उसके बाद, और आप भी यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, या अगर लगभग में चलेंगे तो देखिए ये 4 × 40 और यहां पर 10 यानी कि 75 × 10 तो 750 और 1 जुड़ हो जाएगा यानी कि 7500, तो 7500 से ऊपर ही आपका आंसर होना चाहिए, तो ये लगभग में आपका कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर 7500 से यानी कि ऊपर वाला आपका, तो पहला ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है 7500 रुपया 40 पैसा, तो ये तो बहुत कम है, यानी कि पॉइंट के बाद देखिए आपका 4928 है, यानी कि ये आपका 40.5 रुपया के करीब है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो 7500 से कुछ ज्यादा ही होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7592.40, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 7592.40, यानी कि आपको ऑप्शन से चलना है, डायरेक्ट पूरा पूरी सोल्व भी नहीं करना है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो भी था हमने इसका डिटेल अप्रोच इधर रफ में ऑलरेडी बता दिया है, और ये तो जानते होंगे कि 12% की दर पर 3 वर्ष का जो SI का परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12×36%, और CI का परसेंटेज वैल्यू 40.4928%, तो ये 36% का ही वैल्यू क्वेश्चंस में दिया था, कितना दिया गया था तो 6750, और 1% का वैल्यू हमने लिखा 6750/36, और इतना परसेंट का वैल्यू पूछा था तो इतना से हमने गुना कर दिया, और यहां पर इस तरह से हमने जब सोल्व किया तो ये आपका पूरा पूरी हमें गुना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो यहाँ पर सिर्फ हमने 9 से कैंसिल किया है, और ये लगभग में आप लेकर चलेंगे तो ये 4×40 और ये देखिए लगभग ये 40.5 है, 40.4928 मतलब 40.50 रुपया लगभग में हम बोल सकते हैं, तो ये 4×40 मतलब 10 से थोड़ा ऊपर ही होगा, और 750 × 10 करेंगे यानी कि 7500 से ज्यादा होगा, तो 7500 से ज्यादा यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है 7500/40, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये 7500 से ठीक ज्यादा है, इससे और भी ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 7592.40 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो गुना करके भी देख सकते हैं, इतना गुना इतना कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो इतना आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर।
क्वेश्चंस नंबर देखिए 104 नंबर। हरी ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपया का निवेश किया। 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस में एसआई कितना दिया है, 100 रुपया के इन्वेस्ट कर रहा है, 100 रुपया आपका साधारण ब्याज हुआ और 11.03% की दर से 3 वर्ष का एसआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 11.03 × 3 कितना हो जाएगा 33.09%। तो इतना परसेंट का वैल्यू क्वेश्चन में 100 दिया है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 100/33.09। और आपसे पूछा है क्या 10% की दर पर 3 साल का सीआई क्या होगा, तो 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 33.1%। 33.1% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 1% का वैल्यू इतना है तो 33.1% का वैल्यू कितना होगा, इसमें हम 33.1 से गुना कर देंगे। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है तो पूरा पूरी आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग में आपको लेकर चलना है। तो यहाँ देखिए 33.1 है और ये 33.09 है, मतलब ये भी आपका लगभग में 33 है, ये भी लगभग में 33 है, तो इसे हम लगभग में एक बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो 100 × 1 यानी कि लगभग में हम बोल सकते हैं 100 रुपया आपका लगभग में आंसर होना चाहिए। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू देंगे तो 99 रुपया 99 पैसा समथिंग इस तरह से होगा, लेकिन लगभग में आपको लेकर चलना है तो 100 रुपया आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। और यहाँ पर जो हमने डायरेक्ट लिखा है उसके लिए इधर रफ कर देते हैं कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने रेट कितना दिया था, रेट दिया गया था 11.03% और टाइम कितना था 3 इयर्स। तो यहाँ पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 8×t%। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 11.03% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 11.03 × 3 इतना परसेंट हो जाएगा और इसे जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 33.09। और इतना परसेंट का है वैल्यू, क्वेश्चंस में दिया था कितना 100। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस में पूछा क्या गया था, क्वेश्चंस में पूछा था कि रेट दिया है 10% यानी कि 10% की दर से 3 साल का, टाइम कितना दिया गया है क्वेश्चंस में, टाइम दिया गया था 3 वर्ष। तो 10% की दर से 3 साल का जो सीआई होगा वो क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो सीआई का परसेंटेज वैल्यू सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। 10% की दर से 3 साल का जो सीआई का परसेंटेज वैल्यू होगा वो 33.1% होगा। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला से, तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो पूछा था। तो इस तरह से हमने यहां डायरेक्ट लिखा है, इतना परसेंट का वैल्यू 100 है तो 1% का वैल्यू 100/ इतना हुआ और 33.1% का वैल्यू पूछा है तो इतना से हमने गुना किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 105 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 105 नंबर। श्रीमान एक्स ने 11.03% की समान ब्याज की दर पर 3 साल के लिए 300 रुपया का निवेश किया। श्रीमान वाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए लेकिन 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो जैसे पिछला क्वेश्चंस था ठीक उसी तरह से ये भी क्वेश्चंस है, लगभग में आपको सोल्व करना है, एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं। तो देखिए डायरेक्ट हम इसे एक ही लाइन में बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया है कि 300 रुपया का इन्वेस्ट किया, दैट मींस एसआई आपको 300 रुपया लेकर चलना है और 11.03% की दर से 3 साल का जो एसआई का परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा 33.09%। तो इतना परसेंट का वैल्यू कितना दिया है 300, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300/33.09। और आपसे पूछा है क्या 10% की दर पर 3 साल का सीआई क्या होगा, तो 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.1%। तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इतना से इसमें हम गुना कर देंगे, 33.1 से गुना करेंगे। अब इसे सोल्व करना है तो लगभग में आपको लेकर सोल्व करना है, ये 33.09 है लगभग में 33 है, ये 33.1 है लगभग में 33 है, तो इसे भी आपको 33 समझना है, इसे भी 33 समझना है, तो 33 × 33 एक बार में कैंसिल कर सकते हैं लगभग में, तो 300 × 1 यानी कि लगभग में हम बोल सकते हैं 300 रुपया। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर जो जानना चाहेंगे तो 299 रुपया समथिंग होगा, मतलब 299 रुपया 99 पैसा इस तरह से आपका होगा, लगभग में हम 300 रुपया बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में 300 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने लिखा था ठीक उसी तरह से यहां भी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वहां पर 100 रुपया इन्वेस्ट किया गया था और यहां पर 300 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। थोड़ा सा हम रफ में लिख देते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस में
दिया था कि 11.03% ये रेट था और 3 इयर्स आपका टाइम था। तो यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू निकाले तो रेट इनटू टाइम हमने किया यानी कि 33.09% और इतना परसेंट का वैल्यू क्वेश्चंस में 300 दिया था। और क्वेश्चंस में आपसे पूछा था क्या, तो 10% की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा था। तो इसका परसेंटेज वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं तो कितना होता है 33.01%। तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो पूछा था और शॉर्टकट में हमने इतना लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 106 नंबर। सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीना के लिए 40,000 रुपया का ऋण लिया जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया। चक्रवृद्धि ब्याज जो लिया जाता है अर्धवार्षिक लिया जाता है यानी कि छमाही लिया जाता है, दैट मीन 6-6 महीना पर ब्याज लिया जाता है। फिर आगे लिखा है क्वेश्चन में दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि का भुगतान किया। तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने स्टार्ट भी किया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बन जाती है तो बहुत ही अच्छी है, अगर नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। और अगर आप बना लेते हैं तो भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरह से इसका हमने सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको समझना है। क्वेश्चंस में लिखा है कि सुनील ने एक साहूकार से 40,000 रुपया ऋण लिया, 40,000 रुपया का कर्ज लिया 1.5 साल के लिए। उसी तरह से कमल भी 1.5 साल के लिए 40,000 रुपया का कर्ज लिया। तो यहां पर दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। पहला व्यक्ति का नाम क्या है, पहला व्यक्ति का नाम है सुनील और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, दूसरे व्यक्ति का नाम है कमल। अब देखिए क्वेश्चंस में लिखा है कि सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यानी कि सुनील का जो ब्याज लग रहा है वो साधारण ब्याज, तो यहां पर हम इस तरह से SI लिख देते हैं। और कमल का जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, दैट मींस CI लग रहा है। और CI जो है यहां पर हाफ ईयरली है, दैट मींस हाफ ईयरली को ही आप बोल सकते हैं अर्धवार्षिक। यहां पर हम सबसे पहले इस तरह से लिख देते हैं हाफ ईयरली, दैट मींस अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कहने का अर्थ हुआ कि छमाही यानी कि 6-6 महीना पर ब्याज लग रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, टाइम को दुगना करना होगा और रेट को आधा करना होगा। ये बहुत बार हमने आपको बताया है कि जब अर्धवार्षिक का संयोजन होता है तो दर को आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं, तो सुनील के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, तो 40,000 रुपया का कर्ज लिया यानी कि मूलधन कितना हुआ 40,000 रुपया। और यहां इधर भी हम लिख देते हैं कि इसके लिए भी 40,000 रुपया ही मूलधन है, कमल के लिए भी 40,000 रुपया ही मूलधन है। और इसके आगे देखिए टाइमिंग दोनों के लिए 1.5 साल ही है, लेकिन ये SI पर है यानी कि सुनील का जो ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज है और कमल का जो ब्याज है वो क्या है CI है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहां पर सबसे पहले टाइम हम लिख देते हैं 1.5 साल यानी कि 1.5 ईयर्स या 1 वर्ष 6 महीना भी लिख सकते हैं या 3/2 साल भी लिख सकते हैं। यहां पर हम 3/2 वर्ष लिख देते हैं 1.5 साल को, आप 1 वर्ष 6 महीना भी लिख सकते हैं। और यहां देखिए टाइम क्या हो जाएगा, तो जब यहां पर क्वेश्चंस में दिया है कि अर्धवार्षिक ब्याज का संयोजन हो रहा है तो टाइम को दुगना करना होगा यानी कि 1.5 साल तो था ही लेकिन इसका हमें डबल करना होगा क्योंकि हाफ ईयरली है अर्धवार्षिक है। तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा या 2 एकम 2, 3 गुना 1 तो 3, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। टाइमिंग आपका हाफ ईयरली में इस तरह से यहां पर 3 अवधि का हो जाएगा, 3 वर्ष हुआ। और रेट क्वेश्चंस में कितना दिया था, तो दोनों के लिए अलग अलग रेट है। तो सुनील के लिए रेट कितना है, सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज यानी कि 11% रेट है SI पर, यहां पर लिख देते हैं SI पर है सुनील के लिए रेट 11%। और यहां पर कमल के लिए जो आपका रेट है वो कितना है, तो क्वेश्चंस में लिखा है कि कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया यानी कि 10% आपका रेट है किसका, तो ये कमल का है वो आपका CI पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है लेकिन यहां पर हाफ ईयरली है। तो जब हाफ ईयरली होता है दैट मींस अर्धवार्षिक यानी कि छमाही होता है तो रेट को हाफ करते हैं यानी कि दर को आधा किया जाता है, तो 10% का हमें हाफ करना होगा तो कितना हो जाएगा 5%। अब देखिए दोनों का हमें बारी बारी से ब्याज निकालना होगा, तो पहले सुनील का हम साधारण ब्याज निकाल देते हैं कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से निकाल लीजिए, मूलधन गुना दर बटे 100 गुना समय, या परसेंटेज वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, रेशियो वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, 2-3 मेथड हमने ऑलरेडी बताया हुआ है।
तो बेसिक फॉर्मूला से ही कर सकते हैं। तो यहां देखिए मूलधन कितना है 40,000 रुपया और रेट कितना है, तो रेट आपका है 11%, तो 11/100 इस तरह से लिख सकते हैं। और टाइम कितना है 1.5 साल यानी कि 3/2 वर्ष। इसे सोल्व करेंगे तो 00 पहले कैंसिल कर देते हैं और ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 200 × 2 = 400 हो जाएगा कैंसिल। और इसके बाद गुना कीजिए तो यहाँ 3 × 2 = 6 और 11 × 6 तो 6800 और ये 00 यानी कि 6600 रुपया। ये आपका 6600 रुपया साधारण ब्याज हुआ सुनील के लिए। और उसी तरह से कमल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जो हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकालने जा रहे हैं सीआई कितना हो रहा है जो, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले मूलधन कितना है 40,000 रुपया। मूलधन क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है अपने आप में ये 100% यानी कि 100% होता है। 100% का वैल्यू 40,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40,000/100। अब देखिए 5% की दर से 3 साल का सीआई हमें निकालना है, तो क्या होगा 5% की दर से 3 वर्ष का जो सीआई का परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 15.7625%। तो इतना परसेंट का वैल्यू हमें निकालना है, तो इतना से इसमें गुना कर देंगे 15.7625। अब देखिए इसे सोल्व करना है तो डेसिमल चाहे तो हटा सकते हैं, तो डेसिमल के बाद 4 अंक है मतलब नीचे में 1/4 0 हो जाएगा यानी कि 10,000 हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल चाहे तो कर सकते हैं और ये 1 × 4 = 25 × 100, उसके बाद 25 से कम 25 और 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 × 6 = 150 और फिर 7 × 6 = 25 = 75, फिर 1 और 2 भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर 1 × 2 = 5 = 25 यानी कि 1 × 6305। तो हम बोल सकते हैं सी आई कितना हुआ, तो 6305 रुपया। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि सुनील साहूकार को कितना साधारण ब्याज देगा 6800 रुपया और कमल है जो साहूकार को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा, तो 6305 रुपया। डेट मीन्स अब यहां से देख सकते हैं कि ये 6800 रुपया है जो ये 6305 रुपया से अधिक है, इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये कितना अधिक है, प्लस का साइन से हम दिखा रहे हैं अधिक को, तो कितना अधिक है यानी कि 6800 में से ये 6305 आप इस तरह से क्लियरली घटा सकते हैं, 6800 में से 6305 घटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5 और यहां पर ये 9 हो जाएगा और यहां पर ये 2 हो जाएगा, डेट मीन्स 295 रुपया अधिक है। तो इस तरह से हमने यहां पर क्लियरली लिख दिया। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 6800 रुपया है जो 6305 रुपया से 295 रुपया ज्यादा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सुनील ने कमल से 295 रुपया अधिक राशि का भुगतान किया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सुनील ने 295 रुपया अधिक राशि का भुगतान किया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है और यहाँ पर डायग्राम से हम दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं क्लियरली कि 295 रुपया अधिक भुगतान कर रहा है कौन, सुनील, किससे, तो कमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 नंबर, यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपया पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितनी है, यानी कि साधारण ब्याज पर जो आपका प्रिंसिपल होगा मूलधन होगा वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज है जो चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज है जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, ये आधा है। इस तरह से हम सबसे पहले लिख सकते हैं साधारण ब्याज है जो चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, इस तरह से हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन पूछा है, तो यहाँ पर वाट हमने लिख दिया, मूलधन आपसे पूछा है। मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो 100% का वैल्यू वाट, तो 1% का वैल्यू वाट बटे 100 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है रेट कितना दिया है 8%, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष साधारण ब्याज के लिए, तो 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 24%, तो यहाँ पर 24 से हम गुना कर देंगे क्योंकि 24% का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये साधारण ब्याज हो चुका है, ठीक इसी तरह से इधर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं और उसका हम हाफ भी कर देंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में लिखा है
4000 रुपया पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4000 रुपया क्या दिया है? मूलधन है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का वैल्यू 4000, तो 1% का वैल्यू 4000/100। अब देखिए क्वेश्चन में सीआई के लिए रेट ऑफ टाइम दिया है कितना, वार्षिक दिया है आपका रेट है जो 10% वार्षिक है रेट और 2 वर्ष आपका टाइम है। तो 10% की दर से 2 साल का सीआई कितना होता है, सीआई का परसेंटेज वैल्यू तो 21% होता है। 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई का परसेंटेज वैल्यू होता है 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 21%। तो यहाँ पर 21% का वैल्यू निकालना है तो 21 से गुना कर देंगे और इसका फिर क्या करना है, आधा करना है। क्वेश्चन का ये कंडीशन है कि साधारण ब्याज है जो चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो यहाँ देख सकते हैं ये 100 से 100 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं 8 × 3 = 24 और ये 7 × 21। इसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 8 × 5 = 40 और यहाँ पर ये 00 हो जाएगा। और इसके बाद और कैंसिल करना चाहे तो ये कर सकते हैं 250 × 2 = 500 और इसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि भाग बराबर क्या हो जाएगा तो 250 × 7 यानी कि 250 × 7 करना है। तो पहले ये 0 दे देंगे 25 × 75 से, डेट मीन हम बोल सकते हैं 1750 रुपया। 1750 रुपया क्या हुआ, तो ये साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 107, 1750 रुपया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपया है तो समान धनराशि एवं समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में किस तरह से सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपया है। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई कितना दिया है, 3783 रुपया या 3783 रुपया भी बोल सकते हैं इसे। तो 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 15.7625 इतना परसेंट होता है। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3783, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3783/15.7625। अब आपसे पूछा है क्या, तो क्वेश्चन में पूछा है कि तो समान धनराशि एवं समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 5 × 3 = 15% यानी कि 15% का वैल्यू निकालना है, तो 15 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। अब सिर्फ इसे सोल्व करना है, तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3600 यानी कि 3600 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 109 नंबर। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, रेट निकाल लेना है। तो दर प्रतिशत यहाँ पर हम सबसे पहले जल्दी से निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि पर 60% की वृद्धि होती है, यानी कि 6 वर्ष में 60% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष में 60/6 यानी कि 10% की वृद्धि होगी। डेट मीन हम बोल सकते हैं कि 60% / 6 डेट मीन 10% आपका रेट हुआ, ये आपका वार्षिक है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं 10% आपका वार्षिक है। और क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। टाइम क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष। अब देखिए डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है धनराशि कितना का है, 10000 रुपया का है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना दिया है, 10000। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 10000/100। 1% का वैल्यू कितना हुआ, 10000/100। अब देखिए 10% की दर से 3 साल का जो सीआई का परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 33.1%। तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो इतना से इसमें हम गुना करेंगे, 33.1 से गुना हो जाएगा इसमें।
अब इसे सोल्व करना है तो ये डेसिमल हटा देंगे, 331/10 हो जाएगा और 1, 2, 3, 0 से 3, 0 हमने कैंसिल किया, 331 × 10 कर देंगे, 3, 3, 1, 0 हो जाएगा, 3,310 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3310 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 नंबर, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपया का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपया का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती? तो सबसे पहले आपको रेट निकालना होगा। रेट क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में इसके लिए दिया है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपया का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपया का भुगतान किया। यानी कि हम बोल सकते हैं मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपया और अमाउंट यानी कि मिसधन कितना दिया है 12,544 रुपया। तो इस तरह से यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, एम फॉर अमाउंट यानी कि मिसधन। तो 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन में दिया गया है मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया गया है 10,000 रुपया, इस तरह से हमने यहां पर लिख दिया। और मिसधन यानी कि अमाउंट कितना दिया है तो ये दिया गया है 12,544 रुपया। अब देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमें यहां पर रेट निकालना है, तो 1 साल में हमें जाना होगा यानी कि 2 वर्ष से हमें 1 वर्ष में जाना है तो क्या करना होगा, 2 साल से हमें 1 साल में जाना होगा तो आपको स्क्वायर रूट करना होगा। डेट में हम बोल सकते हैं कि वर्गमूल हमें करना होगा यानी कि ये 10,000 का स्क्वायर रूट और यहां पर क्या हो जाएगा 12,544 का स्क्वायर रूट और इसे हम रेशियो में फिर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर देखिए ये 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 100 होगा और ये यानी कि 12,544 का जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल होगा वो कितना होगा तो 112 हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपया से 112 रुपया हो रहा है कितने समय में, 1 वर्ष में, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं रेट कितना हुआ 12% यानी कि 12% आपका रेट हुआ। अब देखिए डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, यहां पर हम CI का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे और SI का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोनों के लिए क्वेश्चन में टाइम कितना है 2 वर्ष ही है यानी कि 12% की दर से 2 साल का सबसे पहले CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर 144, अंतिम 2 अंक ही हमें लिखना होता है, 144 का अंतिम 2 अंक लिखना है यानी कि 44 और यहां पर पॉइंट दे देंगे और एक आपका बाकी रहेगा, 144 का लास्ट 2 अंक हमें लिखना था तो 44 हमने लिखा, एक आपका बाकी है, फिर 12 का दोगुना करते हैं तो 12 × 2 = 24 और बाकी एक जोड़ देंगे यानी कि 25, यानी कि 25.44 इतना परसेंट आपका हुआ 12% की दर से 2 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू। ठीक इसी तरह से SI का परसेंटेज वैल्यू में निकालेंगे तो 12% की दर से 2 साल का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो SI क्या होता है रेट इन टू टाइम यानी कि 12 × 2 = 24 यानी कि आपका 24% हो जाएगा SI। अब देखिए यहां पर क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि कितना रुपया का बचत हो रहा है यानी कि 25.44 से 24 हो रहा है, डेट मीन्स क्लियरली आपको दिखना चाहिए बचत कहने का अर्थ हुआ डिफरेंस यानी कि अंतर, तो 1.44% का बचत हो रहा है तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया था 10,000 रुपया का ऋण लिया गया है यानी कि 10,000 रुपया आपका क्या है मूलधन है, यहां लिख देते हैं मूलधन कितना है, मूलधन क्वेश्चन में दिया है 10,000 रुपया है यानी कि मूलधन क्या हुआ 100% यानी कि 100% का वैल्यू कितना है 10,000, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो आप चाहे तो 1% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, तो 1% का वैल्यू हम डायरेक्ट किस तरह से निकालेंगे, देखिए 1% का वैल्यू निकालेंगे तो इतना बटा 100 हो जाएगा यानी कि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 1% का वैल्यू कितना हुआ 100 और 1.44% का वैल्यू हमें निकालना है तो 100 × 1.44 करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो 144/100 हो जाएगा, 100 से 100 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 × 144 यानी कि 144 रुपया। 144 रुपया कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 110, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 144 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या आप इस तरह से भी कर सकते थे, यहां पर हम लिख देते हैं इस तरह से भी कर सकते थे डायरेक्ट करेंगे, तो देखिए मूलधन
कितना है मूलधन आपका है 10,000 रुपया, क्योंकि 10,000 रुपया का ऋण लिया गया है, कर्ज लिया गया है, तो 1.44% का सेविंग हो रहा है, बचत हो रहा है। तो 10,000 का 1.44% का वैल्यू हमें निकालना है, तो डायरेक्ट यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10,000 का 1.44% का वैल्यू हमें निकालना था। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जब डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पर 144/100 हो जाएगा, और ये दोनों जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 × 144 यानी कि इस तरह से डायरेक्ट 144 आप आंसर दे सकते हैं, इस तरह से भी चाहे तो लिख सकते हैं। या एक मेथड और है जो हमने ये लिखा है, इसी को शॉर्टकट में आप इस तरह से भी लिख सकते थे, यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 1% का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000/100, इस तरह से लिख सकते हैं 10,000/100, ये 1% का वैल्यू हुआ, और 1.44% का वैल्यू निकालना है तो 1.44 से इसमें गुना कर देते हैं, और इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आपका 144 आ जाएगा। तो इसे ही हमने डिटेल से इस तरह से लिखा है, शॉर्टकट में इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 111 नंबर, अमृत ने एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली, अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज है जो छमाही है, दैट मींस अर्धवार्षिक है, यानी कि हाफ ईयरली है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है, यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपया अधिक का भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। ये जो क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन के ही जैसा लगभग है, पिछला क्वेश्चन में हमें रेट निकालना पड़ा था और यहाँ पर क्वेश्चन में रेट ऑलरेडी दे दिया है, तो और भी एक तरह से इजी है पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 10% जो दिया गया है ये आपका 10% है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया गया है 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष, और सबसे पहले हमें क्या करना है SI का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है। तो 10% की दर से 1 साल का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, यानी कि 10 × 1 तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 10%, और यहां पर इसके बाद CI का परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है। तो CI जो है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, छमाही है। यहां पर ये हम लिख देते हैं कि CI का जो संयोजन है वो किस तरह से हो रहा है, तो ये CI का संयोजन है जो हाफ ईयरली है, ब्रैकेट में हम यहां पर लिख देते हैं CI का संयोजन है जो छमाही है, दैट मीन्स अर्धवार्षिक है। तो क्या करना है कि रेट को हाफ करना होगा, आधा करना होगा, यानी कि रेट कितना हो जाएगा 5%, और टाइम आपका दोगुना हो जाएगा यानी कि 1 वर्ष का दोगुना 2 वर्ष। तो यहां से अब आपको 5% की दर से 2 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, इस तरह से बेसिक से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करेंगे तो 5² = 25, फिर पॉइंट देते हैं, फिर 5² = 10 यानी कि 10.25%। अब देखिए साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ तो 10.25%, यानी कि 10.25% है जो 10% से कितना अधिक है, तो 0.25% अधिक है, और क्वेश्चन में लिखा है कि 50 रुपया अधिक है, यानी कि 0.25% का ही वैल्यू क्वेश्चन में 50 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली थी, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, डेट मीन 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो डायरेक्ट हम किस तरह से सोल्व करेंगे, डायरेक्ट वाला भी अप्रोच आना चाहिए और यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 0.25% का वैल्यू 50 है, तो 1% का वैल्यू लिखेंगे तो 50/0.25 हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, और 100% का वैल्यू निकालना है तो सबसे यहां पर गुना करेंगे, आप चाहे तो डेसिमल भी हटा सकते हैं, तो फिर से ऊपर में सबसे गुना हो जाएगा 25 × 50, फिर 2 × 100 × 100 करेंगे तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 20,000 रुपया हो जाएगा आपका उधार ली गई धनराशि। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 111, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसका मेथड है, लेकिन सबसे ये आपका बेस्ट मेथड है और आपको इसी से एग्जामिनेशन हॉल में सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 112 नंबर
दो वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है, समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बता देते हैं, फिर इसका डिटेल अप्रोच भी रात में बता देंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा है, दो वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 4642 रुपया, और परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है जो हमें निकाल लेना है, यानी कि 11% की दर से, 11% की दर से दो वर्ष का जो CI का परसेंटेज वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो जल्दी से कैसे निकालते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अंतिम दो अंक ही हमें लिखना है, यानी कि 121 का अंतिम दो अंक लिखेंगे, यानी कि 21 लिखेंगे और एक आपका बाकी रहेगा, यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद 11 का दुगुना करते हैं, 11 दुनी 22 और बाकी एक जोड़ देंगे, 22 से 23, यानी कि 23.21% ये आपका CI का परसेंटेज वैल्यू हुआ। 11% की दर से दो वर्ष का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ, 23.21%। तो इतना परसेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 4642 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4642 बटे 23.21। और पूछा है क्या क्वेश्चन में पूछा है समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि 11% की दर से दो साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 11% की दर से दो साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 11 दुनी 22%, तो 22% का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 22% का वैल्यू निकालना है, तो 22 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, ये डेसिमल हटाएगा तो ऊपर में सबसे गुना हो जाएगा क्योंकि नीचे में डेसिमल के बाद दो अंक है, और 2321 दुनी 4642 हो जाएगा, 2 गुना 22 44 44 गुना 100, यानी कि 4400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका डिटेल अप्रोच इधर हम रफ में कर देते हैं। क्वेश्चन में देखिए CI कितना दिया था, क्वेश्चन में CI दिया था 4642 रुपया, यहां लिख देते हैं CI दिया था 4642 रुपया, और 11% की दर से दो साल का CI का परसेंटेज वैल्यू ये 23.21% हुआ, यानी कि 23.21% का ही वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है, तो 4642 रुपया दिया है। तो आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि लिखा है क्वेश्चन का लैंग्वेज समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि 11% की दर से दो साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो परसेंटेज में पहले कितना होगा, तो 11 दुनी 22%, यानी कि 22% का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा था। तो इसी को शॉर्टकट में हमने यहां पर लिखा था इस तरह से, 23.21% का वैल्यू 4642, तो 1% का वैल्यू 4642 बटा 23.21, और 22% का वैल्यू निकालना था तो 22 से हमने गुना किया, और डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो 44 रुपया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर, 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसे भी आप तुरंत एक ही लाइन में किस तरह से बनाएंगे और इसका फिर डिटेल अप्रोच भी बता देंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दिया है, 500 रुपया दिया है, और 10% की दर से दो साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू 10 दुनी 20% होगा, तो 20% का ही वैल्यू कितना दिया है, 500, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 500 बटे 20, 1% का वैल्यू कितना हुआ, 500 बटे 20। अब देखिए आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दैट मीन्स 10% की दर से दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए, 10% की दर से दो साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप जानते होंगे कि 10% की दर से दो साल का CI का परसेंटेज वैल्यू 21% होता है, यानी कि 21% का वैल्यू हमें निकालना है। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 21% का वैल्यू इतना गुना 21 हो जाएगा। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो 1 0 पहले कैंसिल करते हैं, ये 25 दुनी 50 कैंसिल हो जाएगा, अब 25 गुना 21 करते हैं
तो यहां पर 25 से कम 25 का 5 लिखेंगे, बाकी दो 25 दूनी 50 और दो 52, यानी कि ये आपका 525 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 525 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या इसका डिटेल अप्रोच यहां हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में दिया था कि 10% वार्षिक दर से किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, यानी कि 10 × 20% का वैल्यू 500 दिया है, 20% का ही वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 500, और आपसे पूछा है कि 10% की दर से 2 साल का CI क्या होगा, तो 10% की दर से 2 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 21%, तो 21% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन ने पूछा है, इसी को शॉर्टकट में हमने ये लिखा था, 20% का वैल्यू 500, तो 1% का वैल्यू 500/20, 21% का वैल्यू निकालना है तो 21 से हमने गुना किया। बहुत सारे मेथड्स और भी हैं, जैसे यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते थे, यहाँ से पहले 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 × 25, यानी कि 525 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 114 नंबर, 100 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 40,000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर होती है, x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन का जो लाइन लिखा गया है, स्टेटमेंट लिखा गया है, लैंग्वेज लिखा गया है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन में लिखा है कि साधारण ब्याज है जो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, इस तरह से हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, साधारण ब्याज के लिए 100 रुपया की धनराशि है, यानी कि 100 रुपया आपका मूलधन है, तो 100% का वैल्यू x है, तो 1% का वैल्यू x/100 हो जाएगा, और क्वेश्चन में इसके लिए रेट ऑफ टाइम दिया है 8% आपका रेट है, 3 वर्ष टाइम है, तो 8% की दर से 3 वर्ष का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 8×24%, तो SI हमें निकालना है, तो 24% का वैल्यू निकालना है, 1% का वैल्यू इतना है, तो 24% का वैल्यू इतना गुना 24 हो जाएगा, ये आपका SI हुआ। अब इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन देंगे, अब CI निकालेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया गया है क्वेश्चन में कितना है, तो 4,000 रुपया, 4,000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4,000 रुपया आपका क्या है मूलधन है, यानी कि 100% का वैल्यू 4,000, तो 1% का वैल्यू 4,000/100, 1% का वैल्यू कितना हुआ 4,000/100। अब देखिए, इसके लिए रेट ऑफ टाइम दिया है, CI के लिए रेट ऑफ टाइम दिया है 10% आपका रेट है, 2 वर्ष आपका टाइम है, तो 10% की दर से 2 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 21%, तो 21% का वैल्यू हमें निकालना है, तो 21 से इसमें गुना करेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार जो कंडीशन दिया है वो क्या है, SI है, जो CI का हाफ है, तो यहाँ पर हम हाफ इसका भी कर देंगे, और यहाँ देखिए इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो ये 100 से 100 पहले कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 8×24 और ये यहाँ पर कैंसिल करेंगे 7×21, और इसके बाद ये कैंसिल कर सकते हैं 8×5=40 और ये 00 हो जाएगा, फिर 250×500 हो जाएगा, और 250×7 करेंगे तो 1,750 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हुआ 1,750। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 114, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1,750 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है, दैट मीन 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर SI का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है और CI का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है। अब की बार क्वेश्चन में दिया गया है कि जो CI का संयोजन है वो क्या है, CI का जो संयोजन है वो क्या है, वो वार्षिक है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि CI का संयोजन है जो वार्षिक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष आपका टाइमिंग है और 5% आपका रेट है, तो 5% की दर से 2 साल का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 5×10%, और 5% की दर से 2 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 5×2=25 और क्वांट देंगे फिर 5×2=10, यानी कि 10.25%। अब देखिए 10.25% है जो 10% से कितना अधिक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 0.25% अधिक है, तो 0.25% का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लिखा है 10 रुपया ज्यादा है, यानी कि इसी का वैल्यू कितना दिया है 10, तो आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मूलधन बताइए, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है,
तो यहां पर 100% का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, यहां हम अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं डायरेक्ट। हम किस तरह से लिखेंगे, 0.25% का वैल्यू 10 दिया है तो 1% का वैल्यू 10/0.25 हो जाएगा इस तरह से, और 100% का वैल्यू हमें निकालना है तो 100 से यहां पर गुना कर देंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में फिर से 100 से गुना हो जाएगा, और ये 25 चौके 100 यानी कि 4 × 10 × 100 यानी कि 4000। तो ये 4000 रुपया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 150, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 160 नंबर, एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 696.30 रुपया और 660 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्पेशल 2 इयर्स के लिए, यानी कि यहां पर हम लिख रहे हैं कि सीआई में दो वर्ष के लिए रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, तो सीआई और एसआई का डिफरेंस सबसे पहले यहां पर आपको अंश में लिखना है CI-SI/ फिर SI का हाफ करना है, आधा करना है, यानी कि हाफ ऑफ SI, उसके बाद फिर 100 से आपको गुना करना है और इतना परसेंट आपका रेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका हम यूज करेंगे, और यहां पर देखिए क्वेश्चंस में लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 696.30 रुपया, यहां पर हमने इस तरह से लिखा 696.30 रुपया, और यहां पर साधारण ब्याज कितना है 660 रुपया, और बटे हाफ ऑफ क्या करना होगा, साधारण ब्याज यानी कि 660, फिर गुना 100 करना है। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले घटा दीजिए तो 60, 30, 90 और 6, 96, यानी कि हम बोल सकते हैं 36.30 रुपया, 36.3 हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में, और बटे 660 का आधा कितना होगा 330 और गुने 100, ये डेसिमल हटा देंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, और इसे सिर्फ सोल्व करना है, इतना परसेंट आपका रेट हो जाएगा। तो यहां पर 1 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल किया, फिर 33 से कैंसिल करते हैं, 33 से कम 33, फिर 3 और 3 33 से कम 33, यानी कि रेट कितना हुआ, 10% आपका हुआ 11%। अगर रेट पूछता तो 11% आपका आंसर हो जाता, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें सिर्फ रेट पूछा गया है तो 11% आपका आंसर हो जाएगा। यहां हम लिख देते हैं रेट कितना हुआ है, इसका रेट आपका 11% हो चुका है, और मूलधन आपसे पूछा है, तो SI के नियम से हम मूलधन जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में SI कितना था, 660 रुपया, यानी कि दो साल का क्वेश्चन में दिया है कि SI कितना है, 660 रुपया है, क्वेश्चन में यह दिया है, हमें मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से, मूलधन कहने का अर्थ हुआ 100% का वैल्यू निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि SI है जो 2 साल का है 660 रुपया, तो 11% की दर से 2 साल का जो SI का परसेंटेज वैल्यू होगा, 11×2=22% होगा, यानी कि 22% का ही वैल्यू कितना है, 660 है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 660/22 हो जाएगा, और मूलधन हमें निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे, और 22×6=68 और ये 0 यानी कि 30×100 तो 3000 रुपया, मूलधन कितना हुआ 3000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 117 नंबर, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपया है, उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया गया है 1260 रुपया, और 5% की दर पर 3 वर्ष का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 5×3 यानी कि 15%, तो 15% का वैल्यू कितना दिया है 1260, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1260/15। और क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि 5% की दर से 3 साल का CI क्या होगा, तो 5% की दर से 3 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 15.7625%, इतना परसेंट का वैल्यू हमें निकालना है, तो इतना से इसमें हम गुना करेंगे 15.7625। अब इसे सोल्व कीजिएगा, डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा 1324.05, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर, 118 नंबर क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है,
एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? इसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 2100 रुपया। और 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो 21% होता है। 21% का वैल्यू 2100 दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 2100/21। और आपसे पूछा है क्या 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 10×20% का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 20 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है, तो 21 से कम 21 और ये 00 100×20 यानी कि 2000। तो 2000 रुपया कौन सा ऑप्शन से है? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 118। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 119 नंबर। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी परिपक्व राशि को। परिपक्व राशि को ही आप अमाउंट भी यानी कि मिश्रधन भी बोल सकते हैं। परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया गया, जिससे 2 वर्षों में 1638 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात करें। मूल राशि ज्ञात करें, डेट मीन्स आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज का मूलधन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चंस में एक्चुअल में पूछा गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में ये लिखा है कि 2 वर्षों में 1638 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। ये 1638 रुपया है जो ये आपका सीआई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सीआई का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि सीआई का मूलधन हम निकाल लेते हैं। सीआई का मूलधन कितना हो रहा है जो हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 2 साल का? यह दिया गया है 1638 रुपया। 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1638 रुपया। तो 10% की दर से 2 साल का सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 21%। 21% का वैल्यू कितना है? 1638। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1638/21। और हमें मूलधन निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसे सोल्व करना है, तो कैंसिल कीजिए, तो यहां पर कैंसिल करते हैं 21 से, तो 21 × 47 से यानी कि 163 में से आपको 147 सबसे पहले क्या करना है? घटा लेना है। तो कितना बचेगा? यहां घटा सकते हैं 13 में से 7 जाएगा 6, और यहां 15 में से 14 घटाएगा तो 1/6 यानी कि 16, फिर ये 8 तो 168, तो 68 से यानी कि 78 बार में कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 78×100 डेट मीन्स 78×100 करेंगे तो ये कितना हुआ? 7800। यानी कि इतना रुपया आपका क्या हुआ? ये चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आप जानते हैं कि यहां से हम ये भी लिख सकते हैं साधारण ब्याज का जो मिश्रधन होगा यानी कि अमाउंट होगा, साधारण ब्याज का जो अमाउंट होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है। इस तरह से हम हिंदी में भी लिख देते हैं, मूलधन को पी से हम डिनोट करते हैं। तो यहां देखिए मूलधन हमने कैलकुलेट कर लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन हमने कैलकुलेट किया है कितना? 7800। तो यही आपका क्या है? साधारण ब्याज का अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चंस में क्या साधारण ब्याज का मूलधन पूछा है, तो मूलधन कहने का आपको 100% का वैल्यू पूछा है। और यहां देखिए साधारण ब्याज का अमाउंट 7800 हमने कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चंस के कंडीशन के अनुसार। अब देखिए साधारण ब्याज के लिए रेट ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है? तो क्वेश्चंस में लिखा था एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए, यानी कि क्वेश्चंस में एसआई के लिए रेट कितना दिया है और टाइम कितना दिया है? तो रेट दिया है 8% एंड टाइम कितना दिया गया है? 7 ईयर्स। तो यहां पर सबसे पहले एसआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 8% की दर से 7 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 8×7 यानी कि 56%। और अमाउंट का परसेंटेज वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना होगा, तो अमाउंट कितना परसेंट होगा यानी कि मिश्रधन का प्रतिशत वैल्यू निकालिए। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 100% प्लस ब्याज कितना है? 56%। तो 100% प्लस 56% यानी कि 156%। तो यही 156% का वैल्यू कितना है? 7800। हम बोल सकते हैं कि 156% का वैल्यू कितना है? तो 156% का वैल्यू है 7800। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7800/156। अब हमें 100% का वैल्यू निकालना है,
तो सब से गुना कर देंगे। अब इसे सोल्व करना है तो 78 एकम 78 और ये डबल जीरो हो जाएगा, 78 दुनी 156 और 50 दुनी 100। 50 गुना 100 सिर्फ करना है तो ये गुना करके हम लिख देते हैं, 50 गुना 100 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा ना, तो 5000 रुपया ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है 119, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 120 नंबर, एक राशि पर दो वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपया है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 696 रुपया 30 पैसा है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 11% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर था 160 नंबर। यहां पर भी हम फिर से बता देते हैं, रात में डायरेक्ट हम यहां पर करेंगे, वहां पर हमने डिटेल से बताया था। तो डायरेक्ट हम किस तरह से करने जा रहे हैं, फॉर्मूला हमने बताया था, ऊपर में आपको क्या लिखना है, सीआई माइनस एसआई, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस वैल्यू लिखना है दो वर्षों का। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 696 रुपया 30 पैसा और साधारण ब्याज कितना है 660 रुपया, तो 696 रुपया 30 पैसा में से 660 रुपया आपको घटा लेना है, तो 60 30 96 96 यानी कि 36 रुपया 30 पैसा आपका हुआ। तो 36 रुपया 30 पैसा को शॉर्टकट में हम 36.3 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या करना है, एस आई का आधा करना है, साधारण ब्याज का हाफ करना है। तो साधारण ब्याज कितना है, दो वर्षों का साधारण ब्याज है 660 रुपया, तो यहां पर 660 का आधा करेंगे तो 330 हो जाएगा, और इसको फिर सबसे गुना कर देंगे और इसे सिर्फ सोल्व कर देना है, तो डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर 100/10 हो जाएगा, एक एक जीरो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से एक एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 33 एकम 33 फिर यहाँ पर 33 एकम 33 यानी कि 11% इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना था, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 121 नंबर, एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है, समान दर पर 8000 रुपया पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज की दर हमें निकाल लेना है, 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष में 12.5% की वृद्धि होगी, यानी कि साधारण ब्याज की दर 12.5% है। यहाँ पर हम ये डिटेल से लिख देते हैं, साधारण ब्याज की दर, ये जो दर हम निकाल रहे हैं ये आपका साधारण ब्याज का है, यहाँ पर ये हम लिख देते हैं कि साधारण ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 8 वर्षों में 100% की वृद्धि हो रही है तो एक वर्ष में 100% बटे 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं, 100% बटे 8 यानी कि 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, 25 बटे 2 यानी कि 12.5 को 12 पूर्णांक 1/2 भी लिख सकते हैं, या 25/2 भी आप लिख सकते हैं, या 12.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि साधारण ब्याज की दर कितना हुई, 12.5%। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, समान दर पर 8000 रुपया पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्वेश्चन ने बोला है, सीआई के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, तो जो पहले वाला आपका दर था वही अभी भी है, यानी कि साधारण ब्याज का दर कितना था 12.5%, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई का भी रेट आपका वही है 12.5%। और यहां पर देखिए टाइम आपका कितना है, तो टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया गया है 8000 रुपया है, और पूछा है क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो एक कंसेप्ट हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब रेट आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, यानी कि इस तरह से हो 12.5% 12 पूर्णांक 1/2% या डेसिमल वैल्यू में हो, तो आपको परसेंटेज वाले मेथड्स को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्ट आपको रेशियो वाले मेथड को फॉलो करना है। हालांकि आप परसेंटेज वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है और रेशियो वाला मेथड इजी होता है, तो रेशियो वाले मेथड से आप फॉलो करें और उसी से ही इस वैरायटी के क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, यानी कि 1/8, ये हमने डायरेक्ट वैसे लिखा। तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 1/4, 25 का आधा 12.5 होता है तो 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8, तो इस तरह से 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/8, यानी कि 8 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज लग रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 8 रुपया आपका मूलधन है, 1 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 8 प्लस 1 बैठ में बोल सकते हैं कि
कि 9 रुपया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब देखिए क्या करते हैं, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो वैल्यू लिखते हैं। तो एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो वैल्यू क्या होगा, मूलधन 8 रुपया तो मिश्रधन कितना 8+1 यानी कि 9 रुपया। और टाइमिंग कितना है, 2 वर्ष है तो इसका हमें स्क्वायर करना होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये 8 का स्क्वायर 64 और रेशियो में से लिख देंगे 9 का स्क्वायर तो कितना होगा 81। तो 64 रुपया आपका मूलधन है, 81 रुपया आपका मिश्रधन है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, CI होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 81 रुपया में से 64 रुपया हम घटा देंगे यानी कि 17 रुपया आपका क्या होगा, CI होगा। तो CI आपसे पूछा था यानी कि 17 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, मूलधन दिया है 8000 रुपया, यहाँ रेशियो में मूलधन कितना है 64, तो 64 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना 8000। ये क्वेश्चन में दिया है गिवन इन द क्वेश्चन ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया। और CI पूछा है यानी कि 17 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो यहां देखिए इधर हम एक ही बार में लिखने जा रहे हैं, 64 रेशियो का वैल्यू 8000, तो 1 रेशियो का वैल्यू 8000/64 और 17 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 17 से इसमें गुना कर देंगे। अब कैंसिल कीजिए, 8 64 8 का 8 और ये 000 हो जाएगा, 125 अठी 1000 होता है, 125 गुना 17 आपको करना होगा। तो गुना करते हैं 17 5 85 के 5 फिर बाकी 8, 17 2 34 और 8 कितना होगा 42 का 2 फिर बाकी 4, 17 1 17 और 4 कितना होगा 21। डेट में बोल सकते हैं ये 2125 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 121, ये आपका 2125 रुपया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 122 नंबर, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 रुपया और 8652 रुपया है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ब्याज की दर किस तरह से निकालते हैं। तो 2 वर्षों के लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रेट किस तरह से निकाला जाता है। तो रेट बराबर होता है CI-SI/ ½ of SI × 100। तो देखिए CI और SI का डिफरेंस कितना का है, तो 8400 और 8652 का डिफरेंस कितना का होगा, 252 रुपये का। तो डिफरेंस हमने यहां पर लिखा और बटे SI का आधा लिखना है नीचे में। तो SI कितना है 8400 रुपया, 2 साल का SI कितना है 8400 रुपया, तो 8400 का आधा कितना होगा 4200। तो यहां पर हमने 4200 लिखा और गुने 100 लिखना है। अब इसे सिर्फ सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 000 कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये कैंसिल कीजिएगा तो 6 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 42 गुना 6 तो 252 और ये आपका 6% रेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6%, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 123 नंबर, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। तो देखिए क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 510 रुपया और यहां पर रेट है जो आपका 12.5% है। तो जब भी डेसिमल में आपका रेट रहे तो क्या करना होगा कि रेशियो मेथड को फॉलो कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कि रेट कितना है, रेट है 12.5%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/8। तो मूलधन और मिश्रधन का हम रेशियो वैल्यू निकाल लेंगे, 8 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज लग रहा है तो 8 रुपया आपका मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है तो 8+1 यानी कि 9 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए मूलधन 8 रुपया और मिश्रधन 9 रुपया और समय कितना है 2 साल है। तो यहां पर इसका स्क्वायर हमें कर लेना है और इसके बाद यहां पर 8 का स्क्वायर 64 फिर अनुपात 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, मूलधन 64 मिश्रधन 81 हुआ, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका CI होता है। तो CI कितना हुआ 81-64 यानी कि 17 और क्वेश्चन में CI दिया है कितना 510 रुपया, तो ये 17 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 510, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 510/17, 1 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 510/17 यानी कि 57/51, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 30 यानी कि 17 में 30 से गुना करने पर 510 हो जाएगा। तो मूलधन हम निकाल सकते हैं 64 रेशियो का वैल्यू, तो 64 गुना 30 हो जाएगा, तो 64 गुना 30 कितना होगा, गुना कर सकते हैं, पहले 0 दे देंगे
फिर यहां पर 60 तिया 180 और 4 तिया 12 180 12 192 यानी कि 1920 रुपया मूलधन कितना हुआ 1920 रुपया। तो यहां देखिए क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है कि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। मूलधन हमने यहां पर निकाल लिया, ये सीआई का आपका मूलधन हुआ और यही मूलधन आपका एसआई के लिए भी है क्योंकि क्वेश्चंस में बोला है कि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का, ये क्वेश्चंस में लिखा गया है यानी कि जो सीआई का आपका मूलधन है वही एसआई का भी मूलधन है। तो यहां देखिए अब इसे सोल्व करने जा रहे हैं हम, डायरेक्ट एसआई कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहां देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन आपका हो चुका है 1920 रुपया, 100% का वैल्यू 1920 है तो 1% का वैल्यू 1920/100 इतना हो जाएगा। पूछा है क्वेश्चंस में क्या, 12.5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, रेट इनटू टाइम। 12.5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 12.5 × 25 यानी कि 25% का वैल्यू पूछा है। तो 1% का वैल्यू इतना है तो 25% का वैल्यू इतना गुना 25 हो जाएगा। ये 25 हम किस तरह से लाए हैं, जो इधर हम लिख देते हैं। तो 12.5% की दर से 12.5% की दर से 2 साल का जो एस आई का परसेंटेज वैल्यू हुआ कितना हुआ, 12.5 × 25। तो इस तरह से हमने यहां पर ये 25 लिखा है। अब देखिए इसे सोल्व करना है, तो 25 × 100 और 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 × 16 3 × 2 4 8 32 और ये 0 यानी कि 480 रुपया। साधारण ब्याज कितना हुआ, 480 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 123, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 480 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 124 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपया है यानी कि 5250 रुपया है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि साधारण ब्याज कितना है, 5250 रुपया। तो 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू 5 या 15% होगा यानी कि 15% का ही वैल्यू दिया है कितना, 5250। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 5250/15। और आपसे सीआई क्वेश्चन में पूछा है, तो 5% की दर से 3 साल का सीआई कितना होता है, तो ये होता है 15.7625 इतना परसेंट। तो इतना परसेंट का वैल्यू पूछा है तो इतना से इसमें हम गुना कर देंगे। अब इसे जब सोल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका आंसर ही लिख देते हैं, ये आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5516.88 5516.88 ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आता है 5516.87 875 इस तरह से आएगा, तो लगभग में लिख सकते हैं 88 पैसा, 5516.88 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 125। अस्मिता ने 15% की साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपया ऋण लिया, वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि के हिसाब से ऋण दे दिया, 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगा। तो सबसे पहले हमें एस आई का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है और सी आई का भी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि 15% की दर से 2 साल का, 2 साल को हम शॉर्टकट में 2y लिख रहे हैं, वाई फॉर ईयर यानी कि साल। 15% की दर से 2 साल का एसआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 15 × 30% ठीक इसी तरह से 15% की दर से 2 साल का सीआई का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो 15² = 225 का अंतिम 2 अंक ही हमें लिखना है, 225 का अंतिम 2 अंक लिखेंगे यानी कि 25 लिखेंगे और 2 आपका बाकी रहेगा, यहां पर पॉइंट दे देंगे, फिर 15 का दोगुना करेंगे, 15 × 30 और बाकी 2 = 32 यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15% की दर से 2 साल का सीआई का परसेंटेज वैल्यू होगा 32.25%। अब देखिए ये एसआई है 30% और सीआई है 32.25%, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2.25% का प्रॉफिट हुआ। ये आपका प्रॉफिट का परसेंट है जो कितना परसेंट हुआ, तो 2.25% का
लाभ परसेंट हुआ, हिंदी में भी लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चंस में आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चंस नंबर है 125, क्वेश्चंस में पूछा गया है कि दो साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी, यानी कि 2.25% लाभ अर्जित करेगी, तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चंस में पूछा है। और क्वेश्चंस में देखिए मूलधन कितना दिया था, 75,000 रुपया, 75,000 रुपया का ऋण लिया था, तो डायरेक्ट हम इस तरह से सोल्व करेंगे, 75,000 का 2.25% इतना का वैल्यू हमें निकालना है। अब जैसे चाहे से सोल्व कीजिए, तो हम इस तरह से सोल्व करने जा रहे हैं, एक स्टेप आगे कर देते हैं यहां पर, या इधर लिख रहे हैं 75,000 × 225/100 हो जाएगा, जब ये डेसिमल हटा देंगे तो, फिर परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, और 1, 2, 3 जीरो से 3 जीरो हमने ये कैंसिल कर दिया, उसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप चाहे तो 75 × 225 करेंगे और अंतिम से एक अंकवार डेसिमल दे देंगे, तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए। यहां पर ये 225 को हम मन ही मन लिख सकते हैं, 75 × 3, 5 × 15 = 5, 1 × 7 = 21, इस तरह से कर सकते हैं। अब गुना करना बहुत इजी हो जाएगा, 75 × 75 × 3, तो 75 × 75 क्या होता है, 75 का स्क्वायर, और वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर करना इजी है, तो 75 का स्क्वायर किस तरह से होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 से 1 ज्यादा 8, 7 × 8 यानी कि 56, तो 5625 हुआ 75 का स्क्वायर, और इसमें 3 से गुना करना है, और फिर इसमें हमें 10 से भाग भी देना है, तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर लिखने जा रहे हैं, 3 से गुना करेंगे, अंतिम से एक अंक डेसिमल दे देंगे, तो 5 × 15 = 5, 1 और 2 × 6 = 7, यहाँ पर इस तरह से हम 7 लिख सकते हैं, और फिर आगे क्या है, 6 × 18 = 8, फिर बाकी 1, उसके बाद 5 × 15 = 16, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ना, यानी कि हम बोल सकते हैं ये कितना हुआ, 1687 रुपया 50 पैसा, इस तरह से बोल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 125 का ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1687 रुपया 50 पैसा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं कि मूलधन कितना दिया है, 75,000 रुपया, 75,000 रुपया का ऋण लिया गया है, कर्ज लिया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू कितना है, 100% का वैल्यू कितना है, 75,000, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 75,000 बटे कितना हो जाएगा, 100, और हमें 2.25% का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 2.25 से गुना करेंगे, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1687 रुपया 50 पैसा, तो इस तरह से भी हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 126 नंबर, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपया उधार लिए, और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज की दर पर और समान समय के लिए उधार दे दी, उसे कितनी लाभ या कितनी रुपये की हानि होगी। ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस के ही जैसा है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कराया था ठीक वैसा ही ये भी क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SI का परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है, और उसके बाद CI का भी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है। तो रेट कितना दिया है, 6%, और यहाँ पर रेट है जो आपका वार्षिक है CI के लिए, और क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, तो 6% की दर से 2 वर्ष का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 6 × 12%, ठीक इसी तरह से 6% की दर से 2 वर्ष का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर यहां पर पॉइंट देंगे, 6 × 2 = 12, 12.36%, तो SI है 12%, CI है 12.36%, तो कितना परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 0.36% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर ये लिख देते हैं कि लाभ परसेंट कितना का हो रहा है, 0.36% का, तो इसका ही वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा। और क्वेश्चंस में दिया था कि 22,500 रुपया उधार लिया गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मूलधन कितना दिया था, 22,500 रुपया, दैट मीन्स 100% का वैल्यू कितना दिया था, 22,500, तो डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं 1% का वैल्यू कितना होगा, 22,500 / 100, और 0.36% का वैल्यू निकालना है, तो 0.36 इसमें गुना करेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो 36/100 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर 1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और भी कैंसिल कर सकते हैं, 25 × 225, 25 × 100, और ये 4 × 36, तो 9 × 81,
तो 81 रुपया कौन सा ऑप्शन है, 81 रुपया का प्रॉफिट हुआ यानी कि लाभ हुआ, कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 81 रुपया का लाभ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 127 नंबर, 100 रुपया एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए हैं जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, एक और 100 रुपया का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया है जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है, दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है? तो देखिए यहां पर SI निकालना है और CI भी निकालना होगा, लेकिन CI है जो क्वेश्चन में दिया है ये आपका अर्धवार्षिक है यानी कि हाफ ईयरली है यानी कि छमाही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि रेट कितना है 10% है और टाइम कितना दिया है, तो क्वेश्चन में टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपका एक वर्ष दिया गया है वार्षिक कहने का अर्थ हुआ, तो यहां पर 10% की दर से एक वर्ष का SI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 10 × 1 यानी कि 10%, और जब हाफ ईयरली रहेगा तो रेट आपका आधा हो जाएगा यानी कि 5% आपका रेट हो जाएगा और टाइम आपका डबल हो जाएगा तो एक वर्ष का दुगुना यानी कि 2 वर्ष, तो 5% की दर से 2 साल का CI का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर पॉइंट देंगे 5 का दुगुना 10, तो 10.25%। अब देखिए SI 10% है और CI 10.25% है यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका कितना अधिक हो रहा है, 0.25% अधिक हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है, 0.25% अधिक है, तो इसी का वैल्यू आपसे पूछा है यानी कि 100 रुपया निवेश किया गया था तो 100 का 0.25%, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 रुपया का 0.25%। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 100 × 0.25 डेसिमल हटा देंगे तो 25/100 हो जाएगा, फिर परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, फिर 100 × 1 = 100 और इसे कैंसिल कर सकते हैं या इतना ही रहने दे सकते हैं 25/100 यानी कि 25 पैसा भी हम बोल सकते हैं इसे, या रुपया में बोलेंगे तो 0.25 रुपया हम बोल सकते हैं, या पैसा में बोलेंगे तो 25 पैसा, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पैसा में दिया था इसलिए हमने पैसा भी लिखा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25 पैसा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 128 नंबर, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए यानी कि 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपया है, समान राशि पर समान ब्याज की दर के हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम डायरेक्ट इसे चाहे तो सोल्व कर सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि साधारण ब्याज कितना क्वेश्चन में दिया है, साधारण ब्याज दिया गया है 360 रुपया और साधारण ब्याज का रेट कितना दिया है 8%, रेट कितना दिया है क्वेश्चन में 8% वार्षिक है और टाइम कितना दिया है 1.5 साल, 1.5 ईयर्स क्वेश्चन में लिखा है यानी कि 1.5 साल को आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 वर्ष इस तरह से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और इसके आगे देखिए क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा है समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से यानी कि दर आपका पहले वाला ही रहेगा, दर कितना रहेगा 8% ही, और टाइम है जो क्या हो जाता है, टाइम आपका दुगुना हो जाता है, समय दुगुना कर दिया जाए तो समय कितना था 1.5 साल था तो 1.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम बोल सकते हैं समय आपका 3 साल हो चुका है। अब डायरेक्ट हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दिया है 360 रुपया, अब यहां परसेंटेज में साधारण ब्याज कितना हो रहा है यानी कि 8% की दर से 1.5 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 8 × 1.5 कितना होगा 12, दैट मीन 12%, तो यही 12% का वैल्यू कितना दिया है 360, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 360/12। अब पूछा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 8% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होगा, तो इधर रफ में हम निकाल देते हैं 8% की दर से 3 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहां पर ए के जगह पर आपको 8 रखना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ए का क्यूब फिर 3a स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है 3a। अब देखिए ए के स्थान पर आपको कितना 8 रखना है, तो 8 का क्यूब फिर 3 गुना 8 का स्क्वायर, इसके बाद 3 गुना 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 किया 192, और 8 किया 24, अंतिम दो दो अंक हमें लिखना होता है, 512 का अंतिम दो अंक 12 लिखेंगे, इस तरह से यहां पर हमने 12 लिखा और ये 5 है जो बाकी रहेगा और इसमें जुट जाएगा, 192 + 5 तो 197 होगा, और ये अंतिम दो अंक लिखेंगे यानी कि 97 और यहां पर पॉइंट हो जाएगा, और ये एक बाकी है जो यहां पर जुट जाएगा 24 + 1 तो 25, यानी कि बोल सकते हैं 25.9712% इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो इतना से इसमें गुना करेंगे 25.9712। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 36 और ये 0, गुना कर दीजिए, पहले यहां पर 3 से गुना करते हैं, डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा, तो गुना करते हैं 3 से, 12 + 36 हो जाएगा, 7 + 21 = 2 और 9 + 27 = 2, 29 का 9, फिर बाकी 2, 25 + 75 और 2, 77, पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा यहां पर, डेट में हम बोल सकते हैं कि यह आपका 1, 2, 3 यहां पर पॉइंट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पॉइंट, यानी कि 779.13। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 128 का देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 129 नंबर, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है, उसी राशि पर उसी दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है, साधारण ब्याज कितना दिया है 16,000 रुपया, 8% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंट कितना होगा, 8 × 8 यानी कि 64%, तो 64% का वैल्यू कितना है 16,000, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 16,000/64। और आपसे क्वेश्चंस ने पूछा है क्या, क्वेश्चंस ने पूछा है कि उसी राशि पर उसी दर के 1/4 दर से, यानी कि पहले दर कितना था 8%, तो 8% का 1/4 कितना होगा 2%, यानी कि हम बोल सकते हैं अब आपका दर कितना है 2%, 2 वर्ष का, यानी कि टाइम अब कितना है 2 वर्ष, सीआई पहले निकाल लेना है, तो सीआई का परसेंटेज वैल्यू निकालना होगा, यानी कि 2% की दर से 2 साल का सीआई का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंकों में लिखना है, 0, 4 लिखेंगे, फिर यहां पर पॉइंट देंगे, फिर 2 का दुगुना 4, यानी कि 4.04% का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है, तो इतना से इसमें गुना कर देंगे, 4.04 से गुना करेंगे। अब सोल्व कीजिए, तो 16 × 1 = 16 और ये 000 हो जाएगा, और 16 × 4 = 64, फिर 25 × 100 और ये 0, इसके बाद यहां से आप चाहे तो डेसिमल भी हटा सकते हैं, 404/100 हो जाएगा, 1 + 0 या कैंसिल भी हो जाएगा, और 5 × 10 और 202 × 404 और ये 25, तो 202 × 5 करते हैं तो 1010 हो जाएगा, यानी कि 1010 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 129 का देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1010 रुपया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130 नंबर, 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया है, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है, मूलधन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दर प्रतिशत निकाल लेना है, तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया है, 2 वर्ष के लिए सीआई में दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंश में क्या लिखना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो 1290 और 1200 का डिफरेंस कितना का है 90 का, और नीचे में क्या लिखना है, एसआई का आधा, यानी कि 2 साल का एसआई 1200 है, तो 1200 का आधा करेंगे मतलब 1 साल का एसआई लिखा जाता है, तो 600 होगा, और इसे 100 से अब इसमें गुना करेंगे तो 000 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये भी कैंसिल कर सकते हैं, 15 × 6 = 90, तो कितना हुआ, दर परसेंट आपका हुआ 15%। अब देखिए क्वेश्चंस के अनुसार टाइमिंग कितना है 2 इयर्स, समय आपका कितना है 2 वर्ष है, और क्वेश्चंस के अनुसार
यहाँ पर दो वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 1200 है, ये भी लिख देते हैं कि ब्याज है जो ये आपका दो वर्ष का कितना है, ये 1200 रुपया है। पूछा है क्या क्वेश्चन में, पूछा गया है कि मूलधन कितना होगा, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, डेट मीन 100% का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दो वर्षों का ब्याज कितना है 1200 रुपया, साधारण ब्याज दो वर्ष का कितना है 1200, तो 15% की दर से दो साल का साधारण ब्याज का परसेंट कितना होगा, 15 × 2 = 30%, 30% का वैल्यू कितना 1200, ये 30% का वैल्यू कितना है 1200, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1200/30, और हमें क्या निकालना है 100% का वैल्यू, तो सबसे गुना करेंगे इसमें, और यहाँ 30 × 4 = 20 से, और ये 0 = 40 × 100 यानी कि 4000, तो 4000 रुपया मूलधन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 131 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर दो वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपया का ब्याज मिलता है, यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एक निश्चित धनराशि पर दो वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपया का ब्याज मिलता है, तो पहले वो निश्चित धनराशि निकाल लीजिए, यानी कि मूलधन कितना है। सबसे पहले मूलधन हम निकाल लेते हैं, यानी कि 100% का वैल्यू क्या है जो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है साधारण ब्याज कितना है 2000 रुपया, 10% की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना होगा 10 × 2 = 20%, 20% का वैल्यू 2000, तो 1% का वैल्यू 2000/20 हो जाएगा, और मूलधन निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू, तो सबसे इसमें गुना करेंगे, और यहाँ देखिए हमें CIV निकाल लेना है, तो यहाँ देखिए 1% का वैल्यू तो ये 2000/20 है ही, और 10% की दर से दो साल का जो CI होता है वो 21% होता है, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 21% का वैल्यू इतना गुना 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसे सोल्व कर लीजिए, पहले मूलधन निकाल लेते हैं, तो ये 20 × 200 और ये 0 = 100 यानी कि 10000, तो सबसे पहले मूलधन कितना हमने निकाला 10000, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो ये 20 × 200 और ये 0 × 100 = 21, तो 2100 रुपया क्या हुआ, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब क्या करना है कि 2100 रुपया पर हमें प्रभावी ब्याज की दर निकाल लेना है, प्रभावी ब्याज की दर हमें निकालना है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो दर का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100/ मूलधन गुना समय, ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है ये आपका 2100, यही आपका ब्याज का काम करेगा जो CI का है, यानी कि 2100, ब्याज गुने 100/ मूलधन कितना है तो 10000, और समय कितना है दो वर्ष के क्वेश्चन में दिया है, और इसे सोल्व करेंगे तो 4 0 इस तरह से हमने ये कैंसिल कर दिया, और 21/2 का मतलब कितना हुआ 10 × 1/2 यानी कि 10.5% भी हम बोल सकते हैं, 10.5% 10.5%, ये कौन सा ऑप्शन है, प्रभावी ब्याज की दर कितना हुआ 10.5%, ये ऑप्शन नंबर कितना दिया है बी में, यानी कि इसे हम सजा करके लिख सकते हैं 10.50%, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 131 के बाद क्वेश्चन नंबर 132 से नेक्स्ट टाइप 5 स्टार्ट है, तो जल्दी ही हम टाइप 5 स्टार्ट करते हैं।